my name of that. Dummy, my name of that. इसमें देखिए जो राज्य सरकार की स्तर की है वो तो आपको चिट्ठी लिखे आगे भेजेंगे। स्थानीय है उस पर अभी अभी बात करेंगे। जो भी कमीशन के अधिकारी एक तो ये हो गया, एक ये माइनिंग से संबंधित है।
पहले वाले में थे 26% अधिकतर तो अपने सरकार से रिलेटेड ही है अधिकतर होती है इसमें एक जो नौधम्बर है ना लंबी स्कीम बीमारी वाले इसमें हम चाह रहे हैं तो आप उपकरण स्तर का इसकी पुनः सर्वे हो कि बहुत सारी कंपनियां आ रही जिनकी कैजुअल्टी हुई है गाय की उनको तो मिले नहीं है और जिनकी कैजुअल्टी नहीं है उनके पैसे नहीं तो ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं आवेदन बहुत ज्यादा है आए किसी के दो के किसी काम से आ रहे और ये हमने रीजन दिया ना हमने दिया उसका तो इसलिए दिया है वही वेरीफाई हो गया ग्राम पंचायत से या वीडियो से बाकी का वेरीफाई नहीं हो रहा तो वो अपने स्तर पर कर रहा है जो आवेदन है उनकी वेरीफाई कर रहा है वेरीफाई होगा जब भी पैसे मिलेगा ना क्या है कुछ कम तो हो जाए वो तो अगर वेरीफाई हुई तो दोनों बड़ी कम कर दें सबको ही मिल रहा होगा ऑनलाइन उपकरण स्तर पर आप एक टीम उनका गाय का दफनाने का दफनाने का काम ग्राम पंचायत का था वीडियो के तरह बिल्कुल दे रहे थे उनको फंड भी जारी किया गवर्नमेंट ने तो ग्राम पंचायत से लो दफनाने का काम अलग ही दफना है सब अपना भी वो दफना दिया लेकिन जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की थी बिल्कुल उस समय तो कुछ किया नहीं दूसरा बाकी तो सब ये हो गए ये तो ये 11 नंबर जो है ना इसमें जो बिजली घर की बड़ी लाइनें लगती है 400 के लिए 630 के लिए उसमें एक टावर लगता है एक डेढ़ बीघे जमीन जाती है किसान डेढ़ से दो बीघा लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा तो इसको भी हम चाहते हैं कि आप अपने स्तर पर इस टाइप की जो है उनकी सर्वे करवा के वो भी सरकार को भेज नहीं डिसाइड तो वही करेगा किस काम करेगा ज्यादातर मुरबाड़ में पास में बाहर और जहाँ एक्चुअली सी एस आर जहाँ फंड आ रहा है उन गाँव के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं हम तो ये चाहते हैं ना जो सी एस आर फंड है जिस एरिया से जिस अनुपात में गवर्नमेंट की इनकम हो रही है उस अनुपात में सी एस आर फंड उसी एरिया में लगे है ना और नहीं तो नेता सुबह लगे कहीं की घंटे देता वो सड़क वहाँ बना देता वो जहाँ से दोन हो रहा है वहाँ जा ही देता उस अनुपात में उसमें अलॉटमेंट हो गया जिस एरिया से जितनी इनकम है पहला आप भी उनका है इसमें सबसे ज्यादा रिफाइनरी के आसपास के गांव है ना जिनके रास्ते रिफाइनरी की वजह से कट गए थे उनका सी एस आर फंड उन रोडों को खर्च होता है कि कनेक्टिविटी ऑफिस होता है वहाँ पर खैर ई एस आर है इसका तो रिफाइनरी का ना तो ई एस आर सी एस आर इनका होगा जब ये मतलब वो प्रोडक्शन शुरू करेंगे ना तब जो पैसा आएगा वो तो सी एस आर में आएगा तेज नंबर इसमें क्या कर रहे हो आप अपने स्तर पर कर रहे हो या गवर्नमेंट का क्या अलॉटमेंट का क्या सिस्टम है इनको क्या पाक शरणार्थियों के लिए कोई अलग से आवंटन नीति तो है तो गवर्नमेंट भी इसमें जारी किया तो
उसके लिए एक सही तो मिली, जैसे हमारे जो तुमने वीडियो में कल समस्या आई थी वीडियो ने रोक नहीं मैंने जान जमा उठाया था मैंने, तो उसमें एक तो ये पाक स्थल था और एक ये सही था वो जिलाधीश को अनुभव किया अभी जो इशू मेरे को कोई बताया था वो तो ये बताया था इन्होंने वो जो हिंदू सिंह सोडा वगैरह ये करता ना ये तो कुछ कह रहे थे कि इस तरह के कुछ लोग हैं 22-23 जने जो जिनको टाइम में गडरा में अलॉटमेंट हुआ था रहते वो चौटन में है उनका अलॉटमेंट कैंसिल हो गया मैं तो रिपोर्ट रूम लगा रहा हूँ ये इस टाइम पॉलिसी का या गवर्नमेंट से लेना है ये 70 के रूल्स में अलॉटमेंट होता है उसमें तो पाकिस्तान के लिए अलग से कुछ भी नहीं है नॉर्मल है एक ही आदमी इनके आसिया ने गिरा दिया जैसलमेर में जोधपुर में उसका भी पूरी दुनिया में गिरा ऐसा इसकी मीटिंग भी हम रख रहे हैं एक बार जल्दी उसमें ये लोग भी बता रहे हैं इनके का भी क्या क्या रूल्स हैं क्या फायदा हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग चला गया अच्छा साहब ये जो ये 12 नंबर पॉइंट है ना ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है स्थानीय लोगों रोजगार की ये भी मेरे को तो ये भी लगता है अग्निशमन वाहन वाली बात बहुत सही है और सेवाना मोबाइल सर लग जाते हैं यहाँ से ये तो ये जो सी एस आर फंड है उससे भी खरीद के दे सकते हैं गाड़ी तो आ जाती कई जगह से स्टाफ का वापस हम उनके क्या था कोई आई एफ एस सी कोड वगैरह कोई गलत चले गए थे तो जैसे ऑर्डर में 17 आदमी थे किसी दो के भी गलत गए वो पूरा पूरा ऑर्डर ही एक तरह से रिजेक्ट हो गया उसका वापस रीओपन हुआ है एक 25 नंबर है एसपी साहब आप उसमें देखा चोरी चोरी और बकरियां भी चोरी मैंने रिकवरी रेट तो काफी बढ़ा है पिछले 3-4 साल में तो चल रहा है पर और करें इसको थोड़ा और काफी खुली है इस बार आप सही काम चलेंगे आप इन बातें